नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन के इस नए ट्यूटोरियल में। आज मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड बारहवीं के पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन चैप्टर 9, जो स्नेक है। इसका आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में, और हमेशा की तरह इसको एक्सप्लेन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी अबाउट अथर के बारे में जान ले। ये है अबाउट अथर, मतलब डीएच लॉरेंस के बारे में। ये कवि हैं डीएच लॉरेंस, इनकी ये फ़ोटो है, और इन्होंने लिखा है स्नेक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से व्याख्या किया हुआ है इस पोएम में। आइए बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लें इनके बारे में। डीएच लॉरेंस, इनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनकी जन्म की बात करें तो इनकी जन्म जो हुई थी 11 सितंबर 1885 इन ईस्टवुड इंग्लैंड में। ये जगह का नाम है, इंग्लैंड में पड़ता है, यहीं पे इनकी जन्म हुई थी 1885 में 11 सितंबर को। और इनकी मृत्यु हो गई थी डेड ऑन 2 मार्च 1930 में, 2 मार्च में इनकी मृत्यु हो गई थी 44 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुई थी? वेनिस फ्रांस में पड़ता है ये इलाका, और वहीं पे मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था इंग्लैंड में और ये फ्रांस में मर गए थे 44 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, या अंग्रेजी उपन्यासकार थे, पोएट, प्ले राइटर, एसिसिस्ट, व निबंधकार भी थे, लिटररी सर्टिक्स एंड पेंटर, वो पेंटर चित्रकार भी थे, और आलोचक भी थे, और छंदकार भी थे। ऐसे ऐसे इन्होंने चीज काम किया हुआ है इंग्लिश की दुनिया में। थोड़ा सा और जानकारी ले लें कि इनका जो महत्वपूर्ण काम है, हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम रहा, जो काम किए जिनसे इनको पॉपुलरिटी मिली, वो है ए कलेक्शन ऑफ पोएम 99, मतलब ये 1919 में ये कलेक्शन ऑफ पोएम का इन्होंने ये चीज़ दिया। उसके बाद वैसा ही नाम है कुछ इनके जो पोएम्स के बुक हैं या पोएम्स है, वो चीज़ है द वाइट पीकॉक। वैसा ही 1911 में ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। द ट्रांसपेसर है, उसके बाद सॉन्ग एंड लवर्स एंड द रेनबो है, एंड प्लम्ड सरपेंट है, उसी तरह एंड बेस्ट नोबेल लेडी, सॉरी बेस्ट नोबेल लेडी कैटरलिस लवर 1926 में जो है इनकी ये प्रकाशित हुआ था। ये इनका सबसे बेस्ट बोलिए तो पोएम था या उपन्यास था, शायद उपन्यास ही था, नोवेल था ये तो। ये सबसे बेस्ट इनका नोवेल था, यहाँ पे लिखा भी गया है कि एंड बेस्ट नोवेल लेडी कैटरलिस लवर। ये प्रेमिका के बारे में शायद वर्णन होगा। द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल नोवेल वाज पब्लिशेड इन इटली इन 1928। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि जो हाईली सेक्सुअल नोवेल है, सेक्स पे आधारित इन्होंने उपन्यास लिखा था, जो पब्लिश किया गया था 1928 में इटली में, लेकिन क्या हुआ, बट वाज बैनड इन द यूनाइटेड स्टेट अंटिल 1959। और ये बैन कर दिया गया, इसको रोक हो दिया गया, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का था, वार्निंग वाले चीज़ था, 18+ वाले लोग देख सकते हैं, लेकिन ये गलत असर पड़ने के चलते इसको रुकवा दिया गया था। फिर क्या हुआ कि एंड इन इंग्लैंड अंटिल 1960 में इसको अप्रूवल हुआ होगा, तो शायद इसको चालू हो गया होगा, ये फिर से पब्लिश हो गया होगा। लास्ट है इनके बारे में कुछ जानकारी कि इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक लॉरेंस, ये लॉरेंस पूरा नाम डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, एक्सल्ट द वैल्यू ऑफ परमिट लाइफ एंड टेनिशियस द सेम एंड आर्टिफिशलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लिव्स।
इस कविता में क्या है कि इस जो स्नेक कविता है इसमें कवि यही बताते हैं कि आदिम जीवन जो है ना, अभी का जो जीवन है उसके मूल्य को कैसे बढ़ावा देते हैं, एक आदमी के जीवन का जान का क्या मूल्य होता है, और आधुनिक सभ्यता के जो छाया होता है, आधुनिक जो मॉडर्न युग है उसमें जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसके कृत्रिमता को दर्शाते हैं, वो आर्टिफिशलिटीज को दर्शाते हैं। अब चलेंगे हम लोग डायरेक्ट अपने पोएम्स के तरफ और यहाँ से शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन पोएम। ओके, इसमें है कि पोएम का शुरू तो होता ही है लेकिन इसका जो हम लोग समरी तैयार करेंगे वो शॉर्ट समरी तैयार करेंगे। ये जितने अबाउट ऑथर है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें से ऑब्जेक्ट निकलता है। आप चाहे तो ये जितना अबाउट ऑथर है इसको समरी में जोड़ लीजिएगा, लॉन्ग समरी हो जाएगा, लेकिन हम जो समरी तैयार करेंगे इसका शॉर्ट समरी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पोएम का लाइन एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं। अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रो। एक जो सांप है मेरे नाद, पानी से भरा हुआ जो नाद है वहाँ पे आया। एक सांप मेरे पानी के भरा हुआ नाद के पास आया। ऑन ए हॉट डे एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। मैं वहाँ पैजामे में था, मतलब पानी जो है वो ये जो नाद दिख रहा है आपको, यहाँ से मेरे समझाने का मतलब ये है कि बहुत गर्मी का दिन था और जो कवि हैं वो पैजामे में था, मतलब पैजामा का मतलब आप समझ सकते हो नाइट पैंट आजकल समझ सकते हो, या उस टाइम में कोई पैजामा हुआ होगा उससे। तो कवि भी वहाँ पे अपना जो पिक्चर है घड़ा लेकर आया हुआ था और एक सांप भी पानी पीने के लिए आया हुआ था उस नाद के पास। आगे पढ़ते हैं। इन द डीप एस्ट्रेंज स्कैनेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कॉर्ब ट्री। ये जो पेड़ है ना इसको कॉर्ब ट्री करते हैं, इसके लिए ये बोल रहा है कि डीप ब्लैक, ये अंधेरा था, इस जो पेड़ था ना ये नीचे बहुत छायादार पेड़ था और ये जो है सांप इसी के नीचे जो टब बना हुआ था पानी का वहाँ पे आया हुआ था और बहुत ही वो अंधेरा टाइप का वहाँ पे दिख रहा था इसके छांव से। आगे बढ़ते हैं। आई केम डाउन द स्टेप विथ माय पिचर। और मैं अपने पिचर मतलब एक बर्तन के साथ आया हुआ था। पिचर माने आप समझ सकते हो एक बर्तन होता है, एक जो लोटा आप समझिए लोटा होता है। तो मैं क्या किया था मतलब कभी मैं अपने लोटे के साथ सीढ़ी से उतरा। वो बता रहे हैं कि जो लोटा पिचर मैंने अभी समझाया कि आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर, मैं उतरा धीरे धीरे अपने घर के सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरा और उनको ये चीज़ पता था कि शाम का समय है, अंधेरा का समय है तो गौर से जाना चाहिए, ध्यान से जाना चाहिए, तो ये चीज़ अपना ख्याल रख के उतरे थे। आगे देखते हैं। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रो बिफोर मी। लेकिन हुआ क्या कि जो सांप था ना वो देखा था, सांप कार्बो ट्री के नीचे था वो डार्क में, लेकिन वो हुआ क्या कि मैं अवश्य इंतज़ार करूं, लेकिन वो क्या हुआ था कि प्रॉब्लम सॉरी वो बताते हैं कि और मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो जो सांप था ना वो ट्रो के पास, वाटर ट्रो के पास हमसे पहले पहुँचा हुआ था। वो जो सांप था स्नेक था ये इस वाटर ट्रो के पास हमसे पहले वहाँ पे लाइन में मतलब था, पी रहा था पानी वहाँ पे वो था, मौजूद था। ही रीच्ड डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वाल इन द ग्लूम। वह नीचे उतरा था, जो मिट्टी का दीवार बना था ना वहाँ से वो नीचे उतरा था
पानी पीने के लिए धीरे धीरे वो सरका हुआ था, नीचे की तरफ उतरा था, जो मिट्टी का ये जो दीवार बना हुआ है इससे वो क्या हाँ कम डाउन नीचे उतरा था पानी पीने के लिए। वहीं पे एक दीवार था पुराना सा, उसी से वो निकला हुआ था, जो अंधेरे बिल में ग्लूम वाल इन द ग्लूम, वो अंधेरे बिल से वो निकला हुआ था। एंड रेस्टेड हिज थॉट ओपन द स्टोन बॉटम। अब कह रहा है कि स्टोन बॉटम का मतलब आप समझिए थोड़ा सा कि इसका मतलब होता क्या है। जो पत्थर का तली होता है ना उस पे ये अपने हेड को रख दिया था, जो हेड दिख रहा है आपको ये वो पत्थर का जो तली नीचा सतह होता है उस पे ये रख दिया था, बिल्कुल डरावना जैसा दिख रहा था। अब आगे इसका पढ़ते हैं, सॉरी एक लाइन यहाँ पे हमने स्किप कर दिया था, अब इसकी लाइन समझ में आने वाली है कि ये चीज़ है क्या, और ये चीज़ अब समझेंगे क्योंकि ये समझाने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आने वाली थी। तो शुरू करते हैं। एंड ट्रायलेड हीज येलो ब्राउन सेल्कनेस सॉफ्ट वैलेट डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो। ट्रो माने ट्रो वाटर, जहाँ पे पानी था उसको बोलते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वो सांप था वहाँ पे हुआ क्या कि वह अपने पीले भूरे से कोमल पेट को ढीला करके बलखाते हुए पत्थर के किनारे से होते हुए और पत्थर के तली पर गर्दन रखा था। अब समझ में आया कि जब वो रखा था तो इसके बैक वाला जो पार्ट था उसका पेट था, पूंछ था, वो बहुत लचीलापन था, कोमल था, वो आराम से उस फूल की तरह, जिस तरह फूल रखा जाता है इस चीज़ में, उसी तरह अपने बॉडी को फूल की तरह टिकाया हुआ था उस पत्थर पे, स्टोन के बना हुआ जो पत्थर है उस पे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। And where the water had dripped from the tap in a small clearness। ये अब क्या हुआ कि वो dripped, सबसे पहले ये है कि वो जहाँ नलके से पानी टपका था थोड़े से साफ सुथरे पानी में, वह क्या हो गया, ये जो टपक रहा है पानी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ये चीज़ टपक रहा है, ये पानी हम लोग को दिख रहा है, तो यहीं से वो ठंडी का आभास लेकर वहाँ पे आया हुआ था। कभी देखिए साफ सुथरा लाइन में समझाना नहीं चाह रहा है, ये अपने कुछ रहस्यमय चीज़ छिपा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसको समझने में, समझाने में, क्योंकि जो इसके पीछे की कहानी है वो बताना ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली हम आपको लाइन बाई लाइन यानी जो लिखा हुआ है इसका डायरेक्ट ट्रांसलेट बताएं तो समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ सब चीज़ रहस्य से लेकर इसके पीछे की कहानी से लेकर सब चीज़ बता दें। तो यही चीज़ है, आप यहाँ पे देखें कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, ये इसका मतलब हुआ था कि और जहाँ नलके से पानी टपका था ना, वो ये जो नल दिख रहा है आपको, वहाँ से पानी टपका था, वो थोड़े से साफ सुथरा पानी में क्या हुआ था, नेक्स्ट लाइन पढ़ने के बाद पता लगेगा। ही सीपेड विथ हिज एस्ट्रेंड माउथ, वो अपने माउथ को क्या किया था कि वहीं पे रख दिया था, कहाँ पे, उस जो साफ सुथरा पानी था वहीं पे उसने घूट घूट पिया और अपने सीधे मुंह से, मतलब वहाँ पे जो लगा दिया था पानी, यहाँ पे कई फ़ोटो में, हाँ यहाँ पे देख रहे होंगे आप, फ़ोटो से समझ सकते हो अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इस फ़ोटो का सहारा लिया विकिपीडिया से। तो ये देखिए घूंट घूंट पानी पी रहा है अच्छे से अपने सर को रख के यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज एस्ट्रेंट गम इनटू हिज स्लैक्स लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। अब क्या है कि इसने बहुत ही सॉफ्टली आराम से मुलायम बड़े आराम से पानी को पी रहा था और मसूड़े से जो अपने ढीले से लंबे शरीर के अंदर
वो जो उसका होता है ना कि सांस लेने में आदमी का भी पेट कभी बाहर कभी भीतर होता है, उसी तरह से इसका जो पेट था ना वो ढीला तो था ही, लेकिन वो जो बॉडी लंबा था उसको एडजस्ट किए हुआ था, कहीं इधर उधर फड़फड़ाने जैसी कोई हालत नहीं थी, आराम से था, बहुत खामोशी के साथ था। अब क्या है नेक्स्ट कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो एंड आई लाइक सेकेंड कम वेटिंग। और क्या हुआ कि कोई मेरे पानी से भरे नाद पर मेरे से पहले आया था। कोई का मतलब यहाँ पे समवन का मतलब आप स्नेक समझो, कि स्नेक मेरे आने से पहले आया था पानी पीने के लिए। तो हुआ क्या कि एंड आई लाइक सेकेंड कॉमर वेटिंग, और मैं दूसरा नंबर पे था, मैं दूसरा सेकेंड कॉमर का मतलब दूसरे में आया था, इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही पानी पी के हटेगा और मैं वहाँ पे आ जाऊँगा पानी पीने के लिए। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो है और लंबा वीडियो बोरिंग लगता है, इसलिए मैं यहीं पे इसको समाप्त कर रहा हूँ। और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे, आप इसके डिस्क्रिप्शन में चेक